Welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I am Janvi Tiwari and today I am up with an outfit from scratch video. तो मैं ना आज बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ एंड बेसिकली काम कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से ना मैं एक पार्लर वाली आंटी के पास गई थी और उन्होंने मेरे अपर लिप जला लिए थे तो कुछ दिनों से मैं उसी को हील होने का वेट कर रही थी एंड फाइनली आई एम बैक एंड आई एम गोइंग टू फिल्म समथिंग रियली एक्साइटिंग. मुझे ना ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच और आउटफिट DIY कपड़े फाड़ना वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है. सो इट्स गोइंग टू बी फन. तो मैंने ना दिमाग में और चीजें रख ली है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और मैं बता देती हूँ ओकेजन क्या है. तो जीनू दीदी का रिसेप्शन है एंड उसके लिए हम ये आउटफिट बना रहे हैं. आई वांट समथिंग फ्लोरल क्योंकि हमने लास्ट टाइम वेलवेट बनाया था तो ये बार थोड़ा सिंपल जाना है. एंड मैंने ना ऐसे दो तीन चीजें दिमाग में रखी है जैसे कि आई वॉन्ट टू डू सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड और मैंने सेलिब्रिटीज की बहुत सारी लहंगे में फोटोज निकाल के रख ली है. जैसा फैब्रिक मिलेगा फैब्रिक शॉप पे वैसा हम क्रिएट करने की ट्राई करेंगे. हर बार फैब्रिक शॉप पे अलग अलग फैब्रिक होता है, हर बार हमें जो चाहिए होता है वो नहीं होता है. तो ये बार हम देखेंगे कौन सा है और उससे क्या करेंगे. आई हैव वन फोटो एंड द आउटफिट ऑफ करिश्मा कपूर विच आई रियली लाइक. इट्स माय वाइब लाइक थोड़ा फ्लोरल जैसा है सो मुझे वो क्रिएट करना है. बट देखते हैं फैब्रिक मिलता है या नहीं या फिर आई डू पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड क्योंकि अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी फैब्रिक नहीं मिला तो आई हैव टू गो फॉर दैट. आप लोगों को पता होगा टाइटल से क्या हो रहा है बट मुझे नहीं पता है क्योंकि आई विल सी थ्रू द प्रोसेस. सो यस दैट्स thing, let's just get started. I am very very excited. Are you? And also guys, please subscribe to my channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया है हमें फटाफट 5 लाख subscribers करने. Subscribe guys, subscribe. Also guys, before I step out, let me show you all my outfit. So I am wearing this leggings by Bliss Club which I am in love with. This is their ultimate legging and I love the color. I love the fabric. It is super soft, super comfortable and super stretchy. It has 4-way stretch which is very nice and मैंने ना कि बहुत सारी चीजें मंगवा ली है. I have their flare pants, I have their वो cycling shorts. मम्मी के लिए भी बहुत सारी चीजें मंगवाई हुई है. The best thing is this is super high waist and इसमें 4 pockets है. Can you even imagine that 4 pockets in a leggings? But yeah, आपको मिलता है and आप इसको बहुत तरीके से style कर सकते हो. आप इसमें जिमिंग एक्सरसाइज तो कर ही सकते हो, बाहर भी आराम से पहन के जा सकते हो एक प्यारी सी कुर्ती के साथ, ढीली ढीली टी शर्ट के साथ और या फिर इसके साथ शर्ट पहन लो. एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो वेयरिंग दिस स्पोर्ट्स ब्रा बाय ब्लिस क्लब ओनली एंड दिस हैज रिमूवेबल कप्स. सो अगर आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो निकाल दो. एंड दिस ऑल्सो काफी ऊपर से आपको क्लीवेज की टेंशन नहीं होती एंड दिस इज मोर लाइक अ क्रॉप टॉप. मैं आराम से घर में पहन के घूम रही हूँ. अ गुड लेगिंग विदाउट एनी शेप इज अ ब्लेसिंग एंड ट्रूली दिस वन इज. फैब्रिक ले लो, कम्फर्ट ले लो, स्ट्रेच ले लो, सब कुछ बहुत अच्छा है. आई एम इन लव विद दिस एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. बहुत अच्छा लगता है पार्टनरशिप करके वो ब्रांड्स के साथ जो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है एंड ब्लिस क्लब इज वन ऑफ देम. सो या आई वुड हाईली रिकमेंड. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू शुड चेक इट आउट. यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड ब्राउन डॉटर 10 फॉर 10% ऑफ. एंड या नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो अ लूज टी शर्ट ऑन दिस एंड लेट्स गो. हम ना 2 वीडियो बना रहे हैं एक दीदी के चैनल पे भी सो आप वो जाके देख सकते हो. और अभी हमें व्लॉग करने देंगे या नहीं भगवान जाने बट लेट्स गो. ओके सो हम आ गए हैं फैब्रिक लेने एंड वी आर हियर इन रेजेंट मॉल. यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं लाइक कपड़े की और लेसेस की दोनों की हैं. सो लेट्स गो, लेट्स सी. आई डोंट नो अगर वह मुझे व्लॉग करने देंगे या नहीं. अगर करने देंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, नहीं तो मैं फैब्रिक लेने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ. लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड. और बार उचकी हो कैसे जानवी अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाते हुए जो भी इसके छोटे छोटे से दिमाग है. ये काफी सिमिलर फैब्रिक था बट नहीं हो सकता इसमें. तो
ओके गाइज, हम बाहर आ चुके हैं फर्स्ट शॉप के। तो जो करिश्मा कपूर का ये वाला लहंगा है और कटरीना कैफ का ये वाला लहंगा, इसका काफ़ी सिमिलर मिल गया था, दोनों ऑर्गेन्जा में थे। एंड दीदी, पर मीटर कॉस्ट थी 480 रुपीज़, और अच्छा लहंगा बनाने के लिए 6 मीटर लगता, लाइक एकदम फ्लो जैसा उनका है वैसा के लिए, और दुपट्टे के लिए अलग, दुपट्टे के लिए अलग मीटर लगता, और उसके बाद ब्लाउज लेना पड़ता, स्टिचिंग लेनी पड़ती, ब्लाउज 600 रुपये मीटर था तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता। तो उसके बाद लेस भी लेनी थी हमें। तो हम बाहर आ गए, अभी हम और ढूंढते आए, होप हमें मिल जाए। लेट्स गो, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो अंडर बजट, बट हमें जो चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव है, सो लेट्स सी। प्रेजेंट आ रहे हो तो आप फैशन अप जा सकते हो, दे वेरी स्वीट पीपल, वेरी स्वीट, बट बाकी लोग इतने इजीली व्लॉग नहीं करने देते हैं। डिफिकल्ट है ना, अंडर बजट करना डिफिकल्ट है। करेंगे हम जो है ना, आप लोगों के लिए सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियो ही बनाना है, और मैं पिछले 1 घंटे से सिर्फ चल रही हूँ इन लोगों को लेके, और मुझे कहीं पे भी सस्ता और अच्छा और सेम फैब्रिक नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं खरीद लूँ वो फैब्रिक। मैं अभी ये फैब्रिक नहीं ले रही, मैं और दुकानों पे जाऊंगी, देखूंगी, जब नहीं मिलेगा कहीं पे भी तभी लूंगी, फिर जब ये यहाँ आएगी तब ये वाला फैब्रिक खत्म हो चुका होगा। कितनी बुरी बहन है ना मेरी, सोचती मेरे लिए बुरा है ये। हेलो गाइस, आज हम वापस जा रहे हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच के लिए चीजें लेने, बट उससे पहले मैं थोड़े और रेफरेंस निकालना चाहती हूँ और सेलिब्रिटीज ढूंढना चाहती हूँ जिनके साथ मैं इजिली मिक्स एंड मैच कर सकूँ या और कुछ बेटर कर सकूँ, बट उससे पहले लेट मी शो यू ऑल माई आउटफिट। सो माई आउटफिट, आई एम वेयरिंग दिस शियर टॉप कुर्ता जैसा जो मैंने आगे से टकिंग किया और पीछे से नहीं किया। अंदर आई एम वेयरिंग ब्लिस क्लब की स्पोर्ट्स ब्रा विच इज लाइक अ क्रॉप टॉप, एंड नीचे मैंने पहनी है वाइड लेग लेगिंग्स बाय ब्लिस क्लब अगेन, एंड एक्सेसराइज इट विद सम इंडियन ज्वेलरी एंड लविंग दिस लुक, ऑल्सो एडेड अ बिंदी। और किसी ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताया था थोड़ी सी बिंदी ऊपर लगाओ तो आप ज्यादा यंग और मतलब ऐसे सुंदर दिखते थे, मैंने सोचा लगा लेते हैं। सो यस, नाउ लेट्स गो, विल बी स्टेपिंग आउट वेरी सून, सो फटाफट मैं रेफरेंस देख लेती हूँ सेलिब्रिटीज की, कोई अच्छा लहंगा मिल जाए हमें बजट में, सम वो ढूंढने की ट्राई करते हैं। We are back at Regent. शायद we will have to change the concept from celebrity. मैं guys, मैंने बहुत try किया but थोड़ा सा मुझे बताओ अगली बार मैं celebrity inspired करके budget ना follow करूँ या फिर मैं बजट फॉलो करके कोई अच्छा सा लहंगा बना। मतलब अगर चाहते हैं तो बन सकता है, पर फिर वो एग्जैक्टली नहीं बनेगा, दैट वोंट मेक एनी सेंस। तू चाहे तो बना तो सकती है, हाँ, बट फिर वो थोड़ा क्लिकबेटी टाइप हो जाएगा कि टाइटल उसमें लिखा होगा बट असली में नहीं लगेगा, असली में नहीं बना, और मटेरियल में बहुत फर्क होगा, फ्लो नहीं आएगा। मैं कम कपड़ा लेके बना लू बट फिर वो ऐसा हो जाएगा कि जानवी सिर्फ वीडियो के लिए बना लेगी बट पहन नहीं पाएगी। आई डोंट वांट टू डू दैट, मुझे इवेंट में पहनना है, सो लेट्स सी। हर बार यहाँ के खुशी तो बहुत होती है ना मम्मी, ऐसा लगता है ये जो पेंटर स्टेशनरी के शॉप पे जाके एकदम अच्छा फील करते हैं ना, आई फील गुड हियर। ये भी भैया पिंक की टोन चली गई ना, वो थोड़ा ये थोड़े आंखों को भावी है मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है फिर यही ले, यही ले लेते हैं, और ऐसा होगा ना तो ग्रीन थोड़ा सा वो ले लेंगे, बॉर्डर ले लेंगे। ओके गाइज, गॉट द फैब्रिक, दिस इज फ्रॉम फैशन हब रेजेंट में, लास्ट है, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप, जरूर जाना, विजिट करना, दे हैव अमेजिंग फैब्रिक एंड वो डिस्काउंट भी कर देते हैं। एंड नाउ लेट्स गेट लेस फॉर दिस वन, बहुत प्यारा लगने वाला है, लेट्स गो। ये अच्छी लग रही है, ये सेम वर्क है इसमें और इसमें, काफी बड़ी है, काफी बड़ी है, नहीं भैया ये तो हाँ बहुत ज्यादा भरचक हो जाएगी, और हम भी थोड़े छोटे छोटे हैं, कपड़ा दिखना चाहिए हम पे, हमने कपड़े पे है कि नहीं। गोटा पट्टी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी पतली गोटा पट्टी होगी भैया, 850 की है विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा वो ये दिया है उसके ऊपर, नहीं मेरे को भी मल्टी थोड़ा कम पसंद आ रहा है, मेरे को ये ग्रीन के साथ अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा और मोटा पट्टा लग रहा है ये, बहुत महंगा है भैया, इसमें सस्ता बताओ, ये मुझे पसंद आ रहा है, इसमें सस्ता बताओ,
सस्ता वर्जन दे दो। हाँ, इसका सस्ता वर्जन दे दो। हाँ, इस फोटो वाले जैसे मैं महंगी वर्जन मिलती थी, मेरी सस्ती वर्जन देखा दीदी के बाड़ी लाइट क्या दीदी फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो एंड ये आउटफिट अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा इस आउटफिट का लगा कलर कॉम्बिनेशन। आई एम लविंग बेज एंड इसमें ग्रीन भी बहुत सुंदर सा इंडियन टच दे रहा था। एंड सारी ज्वेलरी जो मैंने कैरी की थी वो थी एक लोकल स्टोर से कॉल्ड NR। एंड या आप भी मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये लुक। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस रेंज, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था क्योंकि ये इंस्पिरेशनल मतलब इंस्पायर्ड आउटफिट था और हमने रिक्रिएट करने की ट्राई की है, तो इसका प्राइस पड़ा 7-8 thousand, but I can do something. मैं next time जाती हूँ और थोड़ा affordable fabric, affordable stitching के साथ एक outfit बना सकती हूँ, for example under 3,000 or 2,500 or something like that. Do let me know if I should do that or not. And if you enjoy watching this video, like, share, subscribe, comment, do all the good things that you can. And I'm going to see you in my next video. Bye bye. I love you. Bye.